वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए लीग का जो मैच खेला जाने वाला है लॉस एंजेलिस क्लिपर्स वर्सेस पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के बीच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइनअप में जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे उस हिसाब से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दे कर रखी है कमेंट बॉक्स में। रिसेंटली मैचेस के रिजल्ट्स आप अगर देख सकते हो 200 मेंबर में रैंक 7th यानी 125 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर 1000 रुपये के रिटर्न यानी ऑलमोस्ट आपका 8x पैसा यहाँ पर हुआ है। ये बात नहीं कि यहाँ पर ये कबड्डी में यहाँ पर गया है, ये जो लास्ट वाला बास्केटबॉल मैच रहा था यहाँ पर भी देख सकते हो 200 मेंबर में फिर से 8th रैंक यानी 125 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर 1000 मिले यानी 8x आपका पैसा हुआ है। बहुत ज़्यादा हाईली रिस्क है यहाँ पर एक कंटेस्ट है। बताने के पीछे का ये रीज़न है कि यहाँ पर पिछले मैचेस हमारे लिए बहुत अच्छे गए और ये मैच में भी मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। लेकिन होता क्या है, रिसेंटली मैचेस के रिजल्ट देखकर जो लोग अभी तक मेरी टीम के साथ खेले नहीं वो आकर अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर देते। तो फाइनेंशियली आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं अपनी टीम दूंगा, आपको रिस्क ले आपको खेलना है या फिर नहीं खेलना है ये आपके ऊपर की चॉइस है। लेकिन जो टीम के साथ मैं खेलता हूँ वो आपको मैं फ्री में टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। विनिंग के बाद यहाँ पर मुझे आप क्रेडिट भी मत देना और लॉस के बाद मुझे ब्लेम भी मत करना। फिलहाल आज के मैचेस के वीडियो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोनों टीम में अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो यहाँ पर लॉस एंजेलिस क्लिपर्स एज कम्पेयर टू यहाँ पर पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, क्योंकि लॉस एंजेलिस क्लिपर्स की तरफ से ऐसे प्लेयर है जो कि रेगुलरली परफॉर्म होते थे। पोर्टलैंड के पास प्लेयर बहुत अच्छे लेकिन रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं है, 20-30% मैचेस में परफॉर्मेंस कर लेते हैं, उसके वजह से यहाँ पर ये लॉस एंजेलिस क्लिपर्स जो तो आज के मैचेस के लिए स्लाइटली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम है। इवन हेड टू हेड मैचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस सीजन में दोनों टीम के बीच में 2 हेड टू हेड मैच हुए थे, जहाँ पर एक मैच प्रैक्टिस मैच था वो मैच लॉस एंजेलिस क्लिपर्स ने किया, लेकिन जो रेगुलर सीजन वाला मैच था एक पॉइंट की मार्जिन से वो मैच पोर्टलैंड ने विन किया। तो पोर्टलैंड के पास विनिंग की पोटेंशियल है। पिछले 4 मैचेस इवन दोनों टीम के लिए भी इतना अच्छे रहे नहीं, पिछले 4 में से 2 विन के साथ आ रही है लॉस एंजेलिस क्लिपर्स और पिछले 4 में से सिर्फ 1 विन के साथ आ रही है पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स। फिलहाल बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप और इंजरी अपडेट। सबसे पहले पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, पोर्टलैंड की तरफ से जो स्टार्टर है वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे क्रेडिट में अवेलेबल हो रहे। तो इसके चलते यहाँ पर मैंने पोर्टलैंड की तरफ से मैक्सिमम प्लेयर लेने की कोशिश की, जहाँ पर सिमंस डेफिनेटली इस प्लेयर को ड्रॉप करने का सोचना भी मत। इतना अच्छे क्रेडिट में अगर आपको एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो कि फील्ड गोल से रेगुलरली अपने टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहा है, लास्ट मैचेस का भी परफॉर्मेंस देख सकते हो, बहुत अच्छी पिक आज के मैचेस के लिए भी रहेंगे आपको। कैमरॉन स्टार्ट करेंगे शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड पोजिशन से स्टार्ट करते हुए देखने को मिलेंगे आपको सेलन साहब। ग्रेन स्टार्ट करेंगे पावर फॉरवर्ड और सेंटर पोजिशन से करेंगे स्टार्ट डीएंड्रे एंटनी। सारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सारे बहुत अच्छे क्रेडिट में अवेलेबल रहे, लेकिन किसी ना किसी को तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर चॉइस है। जो भी सभी स्टार्टर है वो आपको अच्छा टाइम किल कर देंगे। इवन बैन से और एक प्लेयर है डीएंड्रे एवरेजा जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इस प्लेयर के ऊपर ज़रूर फोकस रख लेना, ये प्लेयर आपको अच्छा टाइम खेलता हुआ देखने को मिलेगा बैन से। और एक इंजरी अपडेट है वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंडरसन जो कि पिछले 2 मैच यहाँ पर खेले नहीं, तो उनकी जगह पर यहाँ पर अच्छा टाइम मिला यहाँ पर डेंटस को। अगर यहाँ पर एंडरसन आज का मैच खेलेंगे तो डेंटस के टाइम पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको फोकस में रखना है। ये जो प्लेयर लास्ट मैचेस में 25 मिनट खेला था, अगर एंडरसन खेले तो हो सकते हैं यहाँ पर ये प्लेयर आपको 25 से 20 मिनट के बीच में खेलता देखने को मिलेगा। बाकी जो बेंच प्लेयर है, एवरेज प्लेयर है, स्टार्टर है, आपको इतना अच्छा क्रेडिट मिल रहा है तो सभी को आप अपने टीम में हो सके तो रख लेना। सेकंड साइड के लिए पोर्टलैंड की तरफ से अगर बात करो तो ये जो टीम है तो स्पेशली यहाँ पर एक या फिर 2 प्लेयर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, जहाँ पर इस टीम की जो शूटिंग स्ट्रेंथ है वो है यहाँ पर जेम्स हार्डन, पॉइंट रिबाउंड असिस्ट तीनों सेक्शन से परफॉर्मेंस देंगे, कैप्टनसी चॉइस के लिए सबसे बेटर चॉइस। और एक प्लेयर है जो कि यहाँ पर शूटिंग से रेगुलरली परफॉर्मेंस दे रहा है वो यहाँ पर पोवेल, और डिफेंस और शूटिंग में अच्छा कर चले जा रहे हैं वो जुबैक। ये यहाँ पर इस टीम की स्ट्रेंथ है, ये 3 स्टार्टर है और इन्हीं 3 स्टार्टर पर ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और ये रेगुलर परफॉर्मेंस है। हो सके तो आपके फंटासी टीम में तीनों को रखने की कोशिश करना, अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है तो डेफिनेटली इन तीनों को आप अपने टीम में रख लेना। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो एक प्लेयर जिसके ऊपर आज के मैचेस में मैं रिस्क ले रहा हूँ जुबैक। जुबैक पर रिस्क लेने के 2 रीज़न है, एक तो लास्ट मैचेस इनका फ्लॉप का है, इवन यहाँ पर इससे पहले वाले जो 3 मैचेस थे वो बहुत अच्छे इनके लिए गए थे, लेकिन हेड टू हेड मैचेस में भी यहाँ पर इनकी तरफ से फ्लॉप परफॉर्मेंस आया। तो पिछले मैचेस का रिकॉर्ड और हेड टू हेड मैचेस का रिकॉर्ड देखकर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्लाइट इनके ऊपर रिस्क लिया है। इवन किसी न किसी प्लेयर पर तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो जुबैक यहाँ पर मुझे मतलब हेड टू हेड मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं है, लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं, तो थोड़ी सी यहाँ पर वीकनेस यहाँ पर इनकी दिखी पिछले मैचेस और हेड टू हेड मैचेस में, इस वजह से यहाँ पर मैंने इनको ड्रॉप किया है और इन दोनों प्लेयर को अपने टीम में रखा है।
बाकी और जो दो प्लेयर है जो कि यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेलेंगे, यहाँ पर ड्यून इस प्लेयर पर फोकस रख लेना, बहुत अच्छा प्लेयर है। डेरिक जॉन जूनियर अच्छा टाइम खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल का आया नहीं। बैन से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये जो तीन प्लेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन तीनों के ऊपर आप फोकस रखकर चले जाना। जहाँ पर निकोलस बटुम की भी तरफ से परफॉर्मेंस आया, टेरेंस मैना, एमरे कॉफी जो कि यहाँ पर थोड़े से हाई क्रेडिट के प्लेयर है, टेरेंस मैना जैसे प्लेयर, इनको यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करना थोड़ा सा आपके लिए रिस्की रहेगा क्योंकि इनके ऊपर आप शायद क्रेडिट खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर आपको किसी को क्रेडिट से और ट्राई करना है तो यहाँ पर बटुम मिल जाएंगे, या फिर कॉफी को भी अगर आपको ट्राई करना है एज अ बेंच प्लेयर तो उनके लिए भी आपको 7 क्रेडिट खर्च करने पड़ेंगे। और एक दो क्रेडिट और अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो सामने वाली टीम की तरफ से आप एज ए स्टार्टर भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा रिस्की इस टीम की तरफ से बेंच प्लेयर को लेना। अभी सारे बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, जो मेरे फाइनल स्मॉल लीग की टीम रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करवा देता हूँ। सारे कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर ट्राई किया है, जुबैक को ड्रॉप कर एक कॉम्बिनेशन जो मुझे बहुत अच्छा आज के मैचेस के लिए लगा है। टेक्निकली यहाँ पर ज़्यादा प्लेयर पर हमें रिस्क लेना नहीं पड़ रहा है, एक ही प्लेयर अगर जुबैक पर हम रिस्क ले लें, अगर यहाँ पर जुबैक यहाँ पर 40-50 पॉइंट एक मैं आज के मैचेस में ना दे तो यहाँ पर ये जो टीम है वो बहुत अच्छा आपको कर कर दे सकती है। जहाँ पर टीम में जेम्स हार्डन, एजरे सिमन्स पॉइंट गार्ड पोजिशन दोनों को मैंने अपनी टीम में रखा है। पोवेल पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क नहीं कह सकते हो, पोवेल पर मैंने ट्रस्ट रखा है कि ये प्लेयर शूटिंग से आज का मैच में आपको अच्छा कर देगा। कैमरों का रेगुलरली परफॉर्मेंस है एज ए स्टार्टर यहाँ पर सेलिन सैड भी रेगुलरली परफॉर्मेंस देकर आ रहे। जेसमिन ग्रेंट मेरे टीम में रहेंगे यहाँ पर डिएंड्रे एंटनी बचेंगे 6 क्रेडिट। 6 क्रेडिट में मैंने यहाँ पर ट्राई किया है निकोलस बटुम क्योंकि अदर कोई प्लेयर मेरे पास इतने क्रेडिट में अवेलेबल नहीं है। अगर क्रेडिट आपके आप पास अवेलेबल हो तो क्रिश्चियन डून को ट्राई कर सकते हो, या फिर एज ए स्टार्टर जो डेरिक जॉन जूनियर खेल रहे उनको आप अपनी टीम में ट्राई कर लेना। और एक्स्ट्रा क्रेडिट अगर आपके पास है तो ऑलरेडी आप यहाँ पर अपनी टीम में जुबैक को रख सकते हो। ये डिपेंडेंट है कि आप कौन सा एप्लीकेशन पर खेल रहे हो। विजन इलेवन ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के लिए सेम टीम रहेंगी। विजन इलेवन एप्लीकेशन अगर आपने अभी भी डाउनलोड नहीं किया तो उस एप्लीकेशन के लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर रखे। बेस्ट ऐप से लो कॉम्पिटिशन है, टैक्स फ्री, GST फ्री, ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये मेरी फाइनल टीम, मोस्टली फाइनल टीम में कोई भी चेंजेस होने के चांसेस नहीं है, तो टीम डेफिनेटली सेव कर कर रख लेना। यही टीम अगर फाइनल हुई तो मैं फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर नहीं दे रहा, ये भी आपको पता है क्योंकि वहाँ पर क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस टीम में जो कैप्टन रहेंगे वो रहेंगे जेम्स हार्डन। वाइस कैप्टन से चॉइस ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हो अजय सिमन्स को, या फिर आप ट्राई कर सकते हो जर्मन ग्रेन को, लेकिन यहाँ पर मैच चले जा रहा हूँ डिएंड्रे एंटनी थोड़ा सा यहाँ पर सेफ साइड के लिए क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट भी देंगे और रिबाउंड भी कलेक्ट कर देंगे। अगर शूटिंग से फ्लॉप हो गए तो रिबाउंड से कुछ ना कुछ यहाँ पर कर कर चले जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर सेफ साइड पर यहाँ पर ये वाइस कैप्टन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे डिएंड्रे एंटनी मोस्टली फाइनल टीम में। और बेस्ट ऑफ द लक आपके लिए क्योंकि कोई भी चेंजेस होने के चांसेस नहीं है लाइनअप में। यही एक NBA का मैच आज के दिन में कवर करने वाला हूँ और उसका भी वीडियो और टीम मैंने आपको दे दी। आई होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching.